नमस्कार दोस्तों, प्रेमा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में लेके आई हूँ सूजी का बर्फी बनाना। सूजी का बर्फी कुरकुरे और मुलायम बनाऊंगी। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखें तभी पता चलेगा कि ये हमारी बर्फी कैसे बनी है। दोस्तों दोस्तों अगर पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम बर्फी को बना लेते हैं। बर्फी जमाऊंगी तो ये देखिए बारीक वाली है, बिल्कुल बारीक वाला है सूजी। और देखिए एक कटोरा हमने सूजी लिया है और एक ही उसी को भर के मैंने चीनी लिया है, यानी 200 ग्राम मैंने रवा लिया है सूजी, तो 200 ग्राम चीनी ली हूँ। इसका बराबर मेजरमेंट इसका बराबर है। थोड़ी सा देखिए इलायची है, आधा चम्मच इलायची है, 4-5 बादाम है, थोड़ा सा काजू है और ये पाउडर वाला दूध है। तो इसको ही डाल के हम मुलायम नरम बर्फी जमाऊंगी। तो आइए अब हम पहले सूजी को भूज लेते हैं। ये देखिए हम कढ़ाई रख दिए हैं, अब इसमें थोड़ा सूजी जो लिए हैं इसको डाल करके थोड़ा सा खाली इसको सेकेंगे, मतलब 25% इसको भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको भूनना है। देखिए इतना 25% खाली भूना हमने, इसको ज्यादा नहीं भूना है। बनेगा इस तरह से, देखिए हमारा बिल्कुल बारीक है, बारीक वाला हमारी सूजी थी। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए मैंने कढ़ाई रख दिया, अब इसमें मैंने आधा किलो सूजी है और आधा किलो चीनी। तो ये देखिए मैंने एक कप पानी लिया है, एक कप पानी डाली हूँ। यानी 2 कप पानी चाशनी बनाऊंगी इसको 2 कप पानी के लिए। इसमें हम ये चीनी डाल देते हैं इस तरह से। अब इसको पकेगा अच्छे से, इस तरह से पकेगा। आधा किलो चीनी है, आधा किलो रवा है सूजी, आधा किलो चीनी है, इसमें हम चाशनी बनाएंगे इसको। देखिए हमने पानी डाल दिया, इसमें चीनी भी डाल दिया, आधा किलो चीनी डाला है, 300 ग्राम पानी डाली हूँ। पानी ज़्यादा इसलिए डाली हूँ कि ये सूजी जो है ये तुरंत फूल जाएगी, चाशनी थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, पतला होना चाहिए, इसीलिए हमने पानी 300 ग्राम डाला है। तो अब इसको हम चाशनी बनने देते हैं। अब देखिए ये हमने दूध जो लिया था इसको भी हमने इसमें डाल दिया। तो अब इसी में ही ऐसे चला के इसको मिला लेंगे अच्छे से। चाशनी अब हमारे पकने पर आ गई है तो दूध को इसी तरह डाल के मिला लेंगे इसको, अच्छी तरह से घुल जाएगा। ये पाउडर वाला दूध है। ये देखिए दूध को हमें इस तरह से मिला लिए हैं, गांठ गांठ अब नहीं रहा, सारे दूध मिल गए अच्छे से। अभी हमारा 80% हो गया है। अब आँच को मैं मीडियम रखी हूँ, तो अभी भी हम इसको चलाती रहूँगी, अभी सूजी नहीं डालूंगी, अभी भी चलाऊंगी। ये हमने इलायची ली हूँ, छोटकी इलायची है 1/2 चम्मच, इसको भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया, सब डाल दिया। अब इसको हम पकने देती हूँ थोड़ी देर तक। 80% हो गया है इसको, देखिए कितना अच्छा से गल गया दूध हमारा इसमें, देखिए इस तरह से। तो इसको चलाते रहना। अब इसमें देखिए ड्राई फ्रूट जो था इसको भी हम डाल देते हैं, इलायची ड्राई फ्रूट दूध सब कुछ सब हम डाल दिए हैं। अब थोड़ा और इसको हम पका लेते हैं, थोड़ा सा और पक जाए तब सूजी डालेंगे हम। इस तरह से बराबर चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये हो गया है, अब इसमें हम डालूंगी। देखिए इसका पहचान यही है कि हमने निकाला है, देखिए इस तरह से जम गया है, तो ये हो गया है। तो अब इसमें हम धीरे धीरे सूजी डालूंगी और इसको चलाती रहूंगी, एक साथ सूजी नहीं डालना है, इस तरह से डालूंगी थोड़ा थोड़ा और इसको हम चलाएंगे इस तरह से, पूरा सूजी को इस तरह से चलाते रहेंगे और डालते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया। अब इसमें कलर डाल देती हूँ, ये देखिए थोड़ा सा मैंने कलर लिया है इस तरह से, इस तरह से कलर ली हूँ, इसको भी इसमें डाल के मिला लूंगी इस तरह से, इस तरह से कलर भी मिला लूंगी डाल के। ये देखिए अच्छा से हो गया है मेरा। अब थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल देती हूँ, अब इस तरह से घी को भी हम मिला लूंगी अच्छे से। देखिए इस तरह से है, अच्छा से हो गया है ये। अब हम इसको थाली में निकाल लेते हैं, देख लीजिए इस तरह एकदम बर्तन छोड़ने लगा घी डालने के बाद। अब इसको हम थाली में फैला लेते हैं। देखिए अब हमने गैस बंद कर लिया है, गैस बंद करके अब हम इसको पूरे को निकाल लेते हैं, निकाल के फैला लेते हैं।
बहुत जल्दी जल्दी निकालना, नहीं तो ये जम जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको हम पूरे को अच्छे से फैला लेंगे पूरे में इस तरह से। जल्दी जल्दी फैलाना नहीं तो ये फिर ये जम जाएगा यहीं पर। ये देखिए हमने जमा दिया है, बहुत अच्छे से जमा दिया मैंने। अब इसको गर्म में काटना है, तब इसको हम अपने अपने हिसाब से पीसेस काट सकते हैं इस तरह से। देखिए मैंने काट लिया अच्छे से, देखिए खूब अच्छे पीसेस काटा है, एकदम से ही हो भी गया है। तो इसको जैसे हो जाता है, होने के बाद ज्यादा देर नहीं करना, तुरंत फैलाना है और तुरंत काटना है। ज्यादा देर कर देंगे तो ये जम जाएगा, फिर कटेगा नहीं। तो अब हम आपको सब करके दिखाते हैं। जम गया है, जम गया तो मैं गैस पर रख के थोड़ा सा इसको हिला दूंगी, गर्म हो जाएगा तो तुरंत छोड़ देगा। तो अभी देखिए मेरा गर्म हो गया है, अब हम इसको छोड़ा निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारी बर्फी एकदम अच्छी तरह से तैयार हो गई है। देखिए एकदम टाइट, एकदम मुलायम, इस तरह से बनी है हमारी बर्फी। तो आप जरूर आप इसे घर में भी खा सकती हैं, सफर में भी लेके जा सकती हैं, कोई मेहमान आए तभी भी सर्व कर सकती हैं। तो आप जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें। अगर हमारा ये बर्फी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे।